सबसे पहले ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड लेना है, उसको क्रॉप करेंगे पोर्ट्रेट साइज में। फिर उसके बाद हम ना उसकी रिसाइज चेक करेंगे, कम नंबर हो गए तो 3000 कर देंगे। फिर रिसाइज रिटर्न हो गई, फिर उसके बाद हम मॉडल फ़ोटो ऐड करेंगे। मॉडल फ़ोटो कौन सा लेना है, ये वाला फ़ोटो ले लिया, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको ना काटेंगे फ़ोटो को, इरेजर लेंगे, सिर्फ वो फ़ोटो रखेंगे और आजू बाजू का जो बैकग्राउंड है ना उसको इरेज कर देंगे। ऐसा बैकग्राउंड सेट हो गया, बैकग्राउंड देखो यहाँ पे रबर का दिख रहा है, रबर लेंगे। फिर ये इरेजर पर जाएंगे, फिर इसको है ना इरेज करेंगे, मैं इरेज कर लेता हूँ स्पीड में। फिर बैकग्राउंड अपना इरेज हो गया। फिर हम फ़ोटो लेंगे, कॉलेज फ़ोटो लेंगे, जो जो फ़ोटो ऐड करेंगे ना, तो मैं कुछ 8-9 फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, 10 एक फ़ोटो मैं ऐड कर लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया, कैंसिल कर दो, चलो चंगे लगा गए, इरेज हट तो नहीं गया। फटाफट 10 एक फ़ोटो ले लेता हूँ, स्पीड में 10 फोटो, 6 हुआ पेंसिल, ये आला भी ले लेता हूँ, ये दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। हाँ अरे की ये ले लेते हैं, 10 फोटो हो गए ऐड कर दें। अब एक एक फ़ोटो है ना अपने हिसाब से लगाते जाएंगे। एक एक फ़ोटो अपने हिसाब से अरेंज करते जाएंगे। तो मैं इसको रेड वाले को इधर साइड में कर देता हूँ, ये वाला फोटो को नीचे रहने देता हूँ। नहीं यार फिर से करते हैं, आप भी अपने हिसाब से अरेंज करना है, मैं अरेंज कर रहा हूँ हिसाब से। ये फोटो, ये वाला फोटो इधर रख दो ताकि वो ऊपर कट जाएगा, और ये दुल्हन वाला फोटो बीच में। फिर ये फोटो यहाँ पे सही होगा, कटेगा भी तो फोटो कटेगा नीचे। ये फोटो, ये वाला फोटो ले लेते हैं, ये फोटो को, हाँ ठीक हो रहा है। इसकी चोटी हमें फिर से उसका सर कटेगा,
तो इसको रोटेट कर लेता, रोटेट हो गया एक फोटो हो गया, फिर अभी आला फ़ोटो ले लेता हूँ, इसको उधर लगा लेता, ये अभी ठीक हो गया थोड़ा सा छोड़ा, फिर ये फोटो को इधर लगा लेता हूँ ब्लैक वाला, ये ज़्यादा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं फ़ोटो, तो इसलिए इसको ऊपर रखा है, फ़ोटो इधर रख लेता हूँ। अब बचे तीन फ़ोटो, इसको यहाँ रख लेता हूँ, ये फ़ोटो दो फोटो कहाँ लगाना है, ये हाथ पास लगाता उसको, ये क्रॉप, अरे क्या हो गया इस फोटो, ये हाथ पास रखता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आले हाथ पास रखता हूँ। देखो आप भी अपने हिसाब से लगाना है, ये फोटो नहीं, नीचे वाले को हटा देता हूँ, ये लगा लेता हूँ, क्योंकि फ़ोटो दो दो हो जा रहा है, एक ऊपर भी रहे, ठीक है, तो फोटो हाथ पास रखता हूँ, नहीं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मैं ये फोटो को यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ अरेंज, आप भी अपने हिसाब से अरेंज करना है, जितना अच्छे से फ़ोटो अरेंज करोगे ना उतना अच्छा लगेगा फ़ोटो, उतना अच्छा लगेगा। फिर मैं अब इसको सबको इरेज कर देता हूँ, जो जो फ़ोटो अपने बैकग्राउंड से ज़्यादा दूर जा रहा है ना, वो फ़ोटो को हम यहाँ से ओपेसिटी कम करके इरेज करेंगे, एड एंड सेट बढ़ा के ओपेसिटी कम करके इरेज करेंगे। फोटो भी इरेज कर लिए, वैसे सब फोटो इरेज कर लेंगे, सब फोटो वैसे इरेज कर लेंगे। सब फोटो अच्छे से इरेज कर लेंगे।